अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके डिमांड पे ऑन डिमांड वीडियो आई है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बिजनेस क्लास का, एसी स्लीपर का, एसी स्टैंडर्ड का डिफरेंस क्या होता है, मतलब हम किस तरह पता चलेगा कि ये क्लास है। वैसे तो बाहर लिखा होता है एसआर कोच के बाहर के ये वाली क्लास है, लेकिन उनका डिफरेंस जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है एक क्लास का दूसरी क्लास से। तो उधर कमेंट सेक्शन में असल में ये चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि बात काफ़ी लंबी होती तो वो उस तरह एक्सप्लेन नहीं सही तरह हो पाता। तो इसी जो है मसले का हल मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी वीडियो बना के उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये किस तरह इनमें डिफरेंस होता है, क्या क्या इनमें फैसिलिटीज़ होती हैं, किस में कौन सी होती हैं, क्या नहीं, तो ये सब कुछ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब क्लासेस का पहले अपनी आवाज़ के बगैर, वॉइस ओवर के बगैर जो है आपको पूरी क्लासेस का विज़िट कराता हूँ, उनको आप चेक करें। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट जो है बताऊँगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं किस क्लास में और मेन डिफरेंस क्या होता है एक क्लास का दूसरी से। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये सबसे पहले नंबर पर बारी आती है एसी स्लीपर की। तो इसकी आप इनसाइड लुक चेक करें। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वो क्लिप्स देख के अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि क्या इनमें फ़र्क है। बाकी फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये सबसे पहले एसी स्लीपर की बात कर ली जाए तो इसमें ये इसकी इनसाइड लुक है। इसमें कैबन सिस्टम होते हैं जिसमें ये 2% कैबन है। इसमें ये एक लोअर बेड है जो ये ओपन है, उसके अलावा जो दूसरा बंद है उसके लिए ऊपर एक बर्थ अटैच है, वो भी आप खोल के उस पर आराम से लेट सकते हैं। उसमें भी इस तरह की कंफर्टेबल सीट है। उसके अलावा इस वो जो कैबिन है इसके अंदर एसी सर्विस है फुल चिल्ड। उसके अलावा फ़ैन सिस्टम है और ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। टेबल है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं अपना सामान। ये टेबल बंद भी हो जाती है अगर सामान आपने रखना हो। उसके अलावा जो इस क्लास की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि आपको इसके कैबिन के अंदर ही आपको टॉयलेट मिल जाता है, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कि इसमें फुल प्राइवेसी, आप लॉक कर सकते हैं कैबिन को अंदर से। और उसके अलावा ये सेम वही 2% कैबिन दूसरा।
तो ये हर सीट के लदा ये लाइट होती है। इसके बाद जो है इसमें चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, डस्टबिन अटैच की जाती है साथ, और उसके अलावा एसी फुल चिल्ड होता है। दोनों में एसी स्लीपर और एसी बिजनेस। एसी स्लीपर और एसी बिजनेस में जो है मेन डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो इनका है वो ये है कि इसके एसी बिजनेस में 6% कैबन होता है, उसमें 2 और 4% कैबन होता है। मतलब इसमें 6 बंदों की बुकिंग होती है, उसमें 2 बंदों और 4 बंदों की बुकिंग होती है। उसके बाद जो इसका डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इसमें कैबन के अंदर वॉशरूम नहीं अटैच होता, जो कि उसमें अटैच होता है आपके कैबन के अंदर ही फुल प्राइवेसी के साथ। आप इसमें भी लॉक कर सकते हैं अपने कैबन को कि आप अगर कोई बाहर आना जाना नहीं है तो लॉक कर दें। आप रात के टाइम मोस्टली ये लॉक किया जाता है। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस, मेन एसी स्लीपर और एसी बिजनेस का। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों के डिफरेंस का बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात रह गई हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ। स्लीपर की तरह कैबन सिस्टम नहीं होता, इसमें ये ओपन होती हैं सीट्स। इसमें कैबन की शेप ये इसको दी जाती है, यहाँ पे ओपन कैबन एक तरह का ये कंसीडर किया जाता है। ये 6 सीट्स का, ये सीट्स उतनी होती हैं स्लीपर की, वो एसी बिजनेस की तरह कि 6 बंदों की बुकिंग होती है। मिडल, लोअर और अपर बेड होता है इसका, जैसे आप सामने देख रहे हैं। इसमें फ़र्क जो है उनमें यही होता है एसी बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड का कि इसमें कैबन सिस्टम नहीं होता, तो प्राइवेसी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे या पर्दा लगा के प्राइवेसी कर सकते हैं। इसके अलावा एसी स्टैंडर्ड के कुछ कोचेज में पर्दा लगा हुआ आता है, यहाँ पे पर्दा आप फैला के जो है अपनी प्राइवेसी, अगर फैमिली के साथ हैं तो आप प्राइवेसी यहाँ पर कर सकते हैं अपनी। उसके अलावा इसमें भी चार्जिंग पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, एसी, फ़ैन, ऑलमोस्ट सब फैसिलिटीज़ वही होती हैं। उसके अलावा इसमें ये सिंगल सीट्स की जगह जो है यहाँ पे ये आपको बेड दिया जाता है, सामने बर्थ ही होती है वो भी सिंगल सीट में। ये तकरीबन इकोनॉमी क्लास तरह की शेप होती है। इकोनॉमी क्लास का भी मैं आपको जल्दी उसका रिव्यू दूँगा अलहदा से। ट्रेन का तो मेरे ब्लॉग्स में पढ़ा हुआ है कि उसका इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, मैंने सोचा अलहदा से आपको बताया जाए सब क्लासेस का डिफरेंस, तो इसलिए ये मेन वीडियो बना रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।